हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का एक नया लेक्चर। सॉल्यूशन टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ चीज़ें अब हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें आज पढ़ने वाले भी हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। शुरुआत करेंगे आज का लेक्चर सीधा एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर नंबर शायद छः में, लेक्चर नंबर छः के सबसे स्टार्टिंग में दिया था। लेक्चर नंबर जब छः देखिएगा आप, छः था कि सात था मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में, मतलब जैसे ही वीडियो ओपन करिएगा तो सबसे शुरुआत में ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, इसका सही जवाब भी दिया। कुछ लोगों का कुछ पार्ट इसके सही थे, बाकी कुछ के गलत भी थे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारा करा चुका हूँ, अब शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट सही हो गया होगा, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे बोला था कि 2 मोलर आपका H2SO4 का सॉल्यूशन है, 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.096 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो 2 मोलर H2SO4 का डेंसिटी इतना दिया हुआ है। अब इसको इतना ही जानकारी दे करके आपसे पहला पूछा था कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालिए, फिर द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, फिर मोलरिटी निकालिए और मोल फ्रैक्शन निकालिए, किसका, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। तो शुरुआत करते हैं। तो मैंने आप लोग को बहुत बार बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले ये जो लिखा जाता है ये टर्म, इसको आप लोग लिख लिया कीजिए कि ये कह क्या रहा है एक्चुअली में। तो कह क्या रहा है, 2 मोलर H2SO4। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब ये लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं, आप लोग को बताया था। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे मतलब इतना जो चीज़ लिखा हुआ है इसको हम एक्सपेंड करके बड़ा करके कैसे लिखेंगे कि 2 मोल ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 का 2 मोल उपस्थित है, प्रेजेंट इन, H2SO4 का 2 मोल उपस्थित है 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन होगा, 1 लीटर का सॉल्यूशन होगा तो उसमें मोल कितने होंगे H2SO4 के, 2 मोल होंगे आपके H2SO4 के। अब जब इतना हो गया तो अब क्या करेंगे बताओ, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। तो हमको मालूम चल गया कि H2SO4 का कितना मोल, 2 मोल, ठीक है। अब पहले हम इससे सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे इन सारे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, मोल निकाला H2SO4 का। अब आप एक और काम कर सकते हो क्या, जब मोल पता है तो मोल को आप मोल से मास निकाल सकते हो। तो मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4, मतलब कितना इसका मास है इस सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब H2SO4 का मोलर मास कितना होता है। मोलर मास आप लोग को निकालने आता होगा, H2SO4 कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, सल्फर का कितना होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, सबको जोड़ देना होता है। अब तो ये निकालने के लिए बच्चा बच्चा जानता है। तो मोल कितना है H2SO4 का, 2 है, मास हमें निकालना है और मोलर मास H2SO4 का जब निकालिएगा तो 98 आता है। तो यहां से क्या आ गया मेरा, यहां से मेरा मास आ गया H2SO4 का, मास आ गया H2SO4 का, वो हो जाएगा 98 × 2, मतलब कितना हो गया, 8 × 16 और 196 आ जाएगा, 196 ग्राम मास उपस्थित है इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो H2SO4 का हम लोग ने मास निकाल लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक चीज और बताइएगा मुझे, 2 मोल H2SO4 उपस्थित है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या बोल रहा हूं कि 2 मोल H2SO4 है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 लीटर मतलब मैं बोल सकता हूं ना 1000 मिलीलीटर। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं,
डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डेंसिटी का हेल्प लेकर के कुछ और निकालने का कोशिश करते हैं। तो डेंसिटी लेकर के कुछ और निकालते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, ये डेंसिटी दिया हुआ था किसका? सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी सॉल्यूशन का इज इक्वल टू क्या होगा? मास, वो भी किसका? सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का ही होगा। और वॉल्यूम भी किसका होगा? तो वो भी सॉल्यूशन का होगा। अब डेंसिटी मेरा दिया हुआ है 1.096। मास सॉल्यूशन का अभी हमको पता नहीं है, वॉल्यूम लेकिन पता है। कितना सॉल्यूशन? 1 लीटर सॉल्यूशन है आपका। तो मास मेरा सॉल्यूशन का पता नहीं है और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर को हम बदल सकते हैं ना? क्यों बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो है, ये वाला डेंसिटी आपका दिया हुआ है ग्राम पर मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को बदल लीजिए तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। और ये मिलीलीटर से ये मिलीलीटर खत्म, तो जो मास आ गया सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा? तो 1.096 इंटू 1000। ये किस में आएगा? क्योंकि सिर्फ ग्राम बच गया है तो किस में आया? ये ग्राम में आया। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1096 ग्राम। मतलब मास सॉल्यूशन का कितना है? 1096। और एक चीज बताइए कि H2SO4 यहाँ पे किस तरह काम करेगा? तो H2SO4 आपका क्या है? सॉल्यूट है। इतना तो आ गया होगा ना पता करने के, सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। तो क्यों? क्योंकि 2 मोल आपके H2SO4 उपस्थित है, 2 मोल H2SO4 उपस्थित है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। इतना क्लियर है? अब एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर कभी भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में, इधर मैं मिटा रहा हूं, अगर कभी भी आपको सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में अगर ना दिया हो, मतलब विलायक के बारे में ना दिया हो, तो आप खुद से मान के चलना कि विलायक कौन होगा? पानी होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, विलायक क्या होगा आपका? पानी होगा। जब विलायक पानी है तो थोड़ा सा इसको सुखा देता हूं। चलिए, मास आ गया सॉल्यूशन का। अब सॉल्वेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम सॉल्वेंट किसको मान लेंगे? पानी को। मतलब कि इसमें जब H2SO4 होगा तो और इसके साथ कौन घुला होगा? पानी घुला होगा। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एक तरह से जो वाटर है ना, वो एक क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह सकते हो आप। मतलब अगर कुछ नहीं दिया हो तो जस्ट लाइक आप पानी ले सकते हो, ठीक है। तो मास सॉल्यूशन का आ गया है। अब मैं आप लोग को एक चीज बताया था ना कि सॉल्यूशन जो होता है वो होता है मेरा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब विलयन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक होता है। तो विलयन का मास दिया हुआ है 1096, दिया नहीं है, निकाले हम लोग। सॉल्यूट का मास निकाल लिए कितना? 196। और प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है मेरा कौन? तो पानी है। कुछ नहीं दिया हो तो पानी लेते हैं। तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, यहां से मास ऑफ जो सॉल्वेंट आएगा, यहां लिख दे रहा हूं, जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा विलायक का जो मास आएगा 1096 में से 196 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 900 ग्राम। अब मास आया है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कौन है यहां पे बालक? तो पानी है। अब मास आ गया, अब एक मैं रफ इतना चीज फाइंड करने के बाद क्या क्या निष्कर्ष पहुंचे, तो मैं पूरा निष्कर्ष एक जगह लिख ले रहे हैं हम लोग। पूरा जो डाटा अभी तक फाइंड किए उसको हम एक जगह कलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। तो पूरा इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग को पता चला कि इस क्वेश्चन में सॉल्यूट मतलब विलेय जो है वो आपका कौन है? H2SO4 है, जो कि कितना है? 2 मोल है। 2 मोल है। या फिर इसका मास निकालना चाहो तो जो मास है सॉल्यूट का, सॉल्यूट मतलब H2SO4, वो कितना है? 196 ग्राम आया है। एक चीज तो मैं ये पता चल गया था, और क्या पता चला? कि जो सॉल्यूशन का मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना आया था? 1096 ग्राम आया। अब एक और क्या रह गया आपका? सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एक बच गया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना आया? तो सॉल्वेंट का मास आया 900 ग्राम। अगर कुछ नहीं दिया हो तो क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं।
अब इतना दिया है, एक काम आप और कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास निकाल लिए हैं तो आप मोल भी निकाल सकते हो। अच्छा, हम लोग इतना चीज कर क्यों रहे? क्योंकि ना जब आप इन सब पार्ट को सॉल्व करिएगा तो ये सारा डेटा आपका वहां पे रिक्वायर होगा। मुझे मालूम है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना पता चल गया है, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले जहां तक बढ़ सकते हो बढ़ो, फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूला में देखो कि क्या क्या चीज दिया हुआ है और देखो क्या नहीं दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ है उसको आप गिवन डेटा से, जो क्वेश्चन में डेटा है उससे निकालने का प्रयास करो। ऐसे करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप भी आसानी से ये सारा चीज कर सकते हो। तो अब फिलहाल हम लोग मास निकाल लिए सॉल्वेंट का। अब जब सॉल्वेंट का मास निकाल लिए तो मोल भी निकाल सकते हैं ना। तो मोल है किसका, पानी का, और पानी मेरा क्या है, सॉल्वेंट। तो मोल क्या आता है बालक, मास बाई मोलर मास। मास कितना है इसका, तो 900 ग्राम। और मोलर मास कितना था पानी का, इसका मोलर मास कितना होता है, दो हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16, मतलब 18। तो 18 इसको आप सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, 50 मोल। मतलब कि सॉल्वेंट का मास कितना है, 900 ग्राम, और सॉल्वेंट का मोल कितना है, तो सॉल्वेंट का मोल है बालक 50 मोल। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट हमारा है क्या, तो सॉल्वेंट हमारा है पानी, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया नहीं था, आपको खुद से मान के चले हुए हो। अब इतना अगर कर लिए तो जो भी डेटा गिवन है आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अब धीरे धीरे करके हम लोग निकालना शुरू करेंगे। तो आपको इतना करना पड़ेगा, इतना इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। एक आध पार्ट रहता था कुछ कम सॉल्यूशन करना पड़ता, कुछ कम वैल्यू फाइंड करना पड़ता। तो आप लोग जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप लोग खुद से चाहो तो अब अपना खोपड़ी लगाओ। चलो अब मैं क्या करता हूँ, पहला अपना लेता है, फर्स्ट है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या होता था बालक, तो ये होता था हमारा वेट ऊपर है मतलब मास किसका, सॉल्यूट का, विलेय का द्रव्यमान, और वॉल्यूम नीचे है तो वॉल्यूम होगा किसका, सॉल्यूशन का। आप लोगों को बोला भी था कि अगर याद नहीं हो तो कहीं आप लोग चिपका लो, याद होने लगेगा। और इंटू 100 की कोई परसेंटेज में मास सॉल्यूट का कितना हम लोग निकाले हैं, सॉल्यूट है ये, सॉल्यूट का मास कितना आया था, 196, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम सॉल्यूशन का, अब देखो ऊपर वाला ग्राम में दिया है तो वॉल्यूम भी किस में लेना, आप लोग बताया था कि अगर ऊपर वाला का जिस फॉर्म में यूनिट होगा वही फॉर्म यूनिट नीचे वाला का भी होता है। तो ऊपर वाला ग्राम में है तो इसको भी हम लोग किस में लेंगे, लीटर में नहीं मिली लीटर में लेंगे। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना था, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग निकाले थे 100 था, हाँ सॉरी 1000 था, और इंटू का 100, 1000 ही था ना, क्योंकि बोले थे ना कि 2 मोल H2SO4 उपस्थित है। इसको जब हम लोग लिखे थे एक्सपेंड करके तो क्या लिखे थे, 2 मोल H2SO4 उपस्थित है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। यहां से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या आएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब आप जानते ही हो कि मैं सॉल्यूशन करता नहीं हूं, मतलब ये सब काम आपका होता है, ये तो बच्चा अब कर लेगा, ठीक है। अब सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, तो इसका होता था मास ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय, नीचे भी मास है तो बताया था, याद करने का तरीका भी आप लोग को चाहो तो आप पिछले वाले लेक्चर को देख भी सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू का 100। अब सॉल्यूट का मास तो वही है, कहाँ है गया, यही है 196। सॉल्यूशन का मास कितना आया था, सॉल्यूशन का मास हम लोग निकाले थे ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम से। तो जो सॉल्यूशन का मास आया था, जो मैं अभी मिटा भी दिया, और अगर यहाँ से मैं यहाँ भी देखो, यहाँ भी दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला था ना, अभी हमने लिख लिखा तो 1096 इंटू का 100। इसको भी आप लोग कर लेना, 2 पार्ट हो गया, देख लो, देखो कितना आसानी सब हो रहा है। आसानी से क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब डेटा को फाइंड कर लिए हैं, पता कर लिए हैं, तब जाकर के क्वेश्चन आसानी से हो रहा है। बस कुछ नहीं कर रहे, वैल्यू पुट कर रहे हैं और आंसर आ रहा है।
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है आपका मोलरिटी। तो मोलरिटी का मतलब अलग, तो मोल्स होता था सॉल्यूट का, थोड़ा सा लंबा करके लिख दे रहा हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था, लेकिन वो भी किसमें, लीटर में बताया था आप लोग। अब मोल सॉल्यूट कितना है, तो दो मोल है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, तो फिर से इसको जब बड़ा किया था इस वाले को, तो क्या लिखा था, दो मोल H2SO4 उपस्थित है एक लीटर के सॉल्यूशन में, तो वॉल्यूम कितना आ गया, एक लीटर था। ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, मोलरिटी निकल जाएगा। अब थर्ड पार्ट है क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा बालक, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना किसका है, तो H2SO4 का बोला है, मोल फ्रैक्शन H2SO4 का बोला है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोलता है उसको हम लोग रखते हैं ऊपर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या होगा, तो मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल कौन कौन, तो टोटल मोल में आएगा एक तो आपका H2SO4 आएगा, और सॉल्यूशन में क्या क्या था आपका उपस्थित, तो एक था आपका H2SO4 और एक था आपका पानी। तो जिसका किसका पूछा है H2SO4 का, तो H2SO4 का मोल ऊपर डिवाइडेड बाय करते हैं हम लोग टोटल मोल, ये भी मैं बताया हूं आपको पीछे वाले लेक्चर में। तो डिवाइडेड बाय टोटल मोल में, टोटल मोल में कौन कौन से आएंगे, तो एक तो आपका H2SO4 का आएगा और एक और किसका आएगा, पानी का आएगा। अब और कुछ नहीं करना है, H2SO4 का मोल कितना है, दो मोल, डिवाइडेड बाय H2SO4 का मोल दो, और पानी का हम लोग निकाले थे ना सॉल्वेंट का मोल कितना निकाले थे, 50। अब इसको भी सॉल्व कर लेना आप, तो चारों तीन कितने पार्ट थे, ये फोर्थ पार्ट था आपका, तो चारों के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप तभी तक सॉल्व करेंगे जब तक आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे। अगर एक बार वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो जो क्वेश्चन होगा आपका बहुत इजी और आरामदायक हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने एक शायद यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, नहीं एक्चुअली क्वेश्चन में मोलरिटी निकाल लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन में मोलालिटी पूछा था, मोलालिटी मतलब स्मॉल एम जो होता है वो पूछा था, हम लोगों ने यहाँ पे मोलालिटी निकाल लिया। तो कोई नहीं, मोलालिटी भी निकाल लेते हैं। ऐसा देखिए ना, मोलालिटी भी दो आ रहा है ना, देखिए दो आ रहा है, दो आ रहा है ना, तो हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, ये भी प्रूफ होता है। तो चलो कोई नहीं, फिर से हम लोग थर्ड को कर ले रहे हैं, मोलालिटी निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का मोल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है यहाँ पे बालक। सॉल्वेंट मतलब विलायक का जो द्रव्यमान है वो, और वो भी ध्यान देना किसमें, केजी में। तो कोई नहीं, मोल सॉल्यूट का निकाल लिया था दो, सॉल्वेंट कौन है, तो पानी है। सॉल्वेंट का मास कितना है, तो 900, लेकिन ये ग्राम में है, लेकिन होता है किसमें, केजी में, तो 10^-3 कर लेना। तो ये हो गया थर्ड, हम लोगों ने एक्चुअली बड़ा एम मोलरिटी निकाल लिए थे। कोई नहीं, यहाँ पे लिखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो और आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ में एक अच्छा सा ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखिएगा। तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, इसमें मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ फिलहाल, लेकिन फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बताने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या था, कि मान लिया था कि एक कंटेनर में ए और बी दोनों को हम लोग क्या किए थे, फाइनली तीन केस बताया था, शुरुआत में सिर्फ ए था, दूसरे केस में बी था, और लास्ट में हम लोग दोनों को मिला दिए थे। तो अभी हम लोग क्या किए, जो थर्ड वाला केस है दोनों को मिला दिए थे। अब मिलाने के बाद मैं बोल दिया कि ए का जो मोल फ्रैक्शन है, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ए का मैं मोल फ्रैक्शन मान रहा हूँ एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज एक्स बी, मतलब कि इस सॉल्यूशन में ए का कितना मोल अंश है, मोल प्रभाज एक्स ए है और एक्स बी है। ये आपको बताता क्या है, तो बताता है कि उस सॉल्यूशन में ए कितनी मात्रा में है और बी कितनी मात्रा में है। आप लोग दोनों, जब आपको मोल प्रभाज पता होगा तो आप सॉल्यूशन में दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो मैंने क्या मान लिया, ए का
एक्स ए है मोल प्रभाज और बी का एक्स बी है। और एक और चीज मान लेते हैं कि ए का जो प्योर प्योर जो वाष्पदाब है वो है आपका पी नॉट ए, और बी का प्योर वाष्पदाब शुद्ध वाष्पदाब है पी नॉट बी। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले ऐसे बता चुका हूं पिछले वाले लेक्चर में। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में कौन कौन उपस्थित है, ए और बी। मतलब कि जब ग्राफ बनाएंगे तो हम लोगों को ग्राफ किसका किसका बनाना पड़ेगा, दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब ए और बी दोनों का। तो ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों हैं। मैं ये वाला एक्सिस जो है ये वाला एक्सिस इसमें मैं ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज को, मोल प्रभाज। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है आपका, वन के बराबर होता है। ये चीज क्लियर होगा, बता चुका हूं मैं आपको। अब इससे आप एक चीज और नोट करें, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप खुद सोचिए, मैं हल्का सा पॉइंट ले लेकर समझा रहा हूं। मान लीजिए कि एक्स ए जो है 1/4 है, एक्स ए 1/4 है, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तभी दोनों को जोड़ करके एक आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसको और क्या करिए, एक्स ए को हम और बढ़ाते हैं, एक्स ए को हम अब 1/4 से ले रहे हैं, मतलब ये था आपका 0.25 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं। एक्स ए को हम मान लेते हैं 0.25 है, तो एक्स बी कितना होना चाहिए, 0.75, तब दोनों को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। और केस क्या ले रहे हैं कि एक्स ए को मान लेते हैं 0.5 है, तो एक्स बी क्या होना चाहिए, एक्स बी को भी 0.5 होना चाहिए, तभी जा करके दोनों जोड़ करके क्या होंगे, 1 होंगे। मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता चुका हूं कि मोल प्रभाज का जो सम होता है वो 1 होता है सॉल्यूशन में, जितने सॉल्यूशन में कंपोनेंट है। अब और क्या करते हैं, इस ए वाले मोल प्रभाज को और बढ़ाते हैं, मतलब अगर हम इसको 0.75 ले लें तो ये अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.25। तो इससे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो, मतलब 0.25 से 0.5 किए, जैसे जैसे आप ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो तो बी का मोल फ्रैक्शन घट रहा है। 0.25 से 0.5 किए तो ये घट कर कितना हो गया, 0.5 हो गया, और इसको बढ़ा करके 0.75 किए तो ये 0.5 से भी घट करके 0.25 हो गया। मतलब कि जैसे जैसे हम ए का बढ़ाएंगे तो बी का घटेगा, या फिर बी का बढ़ाएंगे तो ए का घटेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो सम होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो एक एक्स एक्सिस अगर आप बोल दो, तो इस एक्स एक्सिस में ये वाला पॉइंट को मैं मान ले रहा हूं कि यहां पे एक्स ए, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ए का वो है आपका 0, ठीक है, यहां पे तो 0 है। और मैं क्या बोल दे रहा हूं कि जैसे जैसे अगर इधर बढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में उधर बढ़ते जाता है, तो हम मान ले रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, मान रहे हैं कि सपोज करो कोई एक पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, वहां पे एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को, यहां पे एक्स ए 0 है, मतलब मोल प्रभाज ए का सॉल्यूशन में 0 है। जैसे जैसे हम लोग राइट बढ़े तो कोई पॉइंट पे जाके हमको एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ए का क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब एक चीज आप और बताओ, अगर यहां पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इस वाले पॉइंट पे बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, अगर ये समझ में आ गया तो आपको ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। अगर इस पॉइंट पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इस पॉइंट पे बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट समझाया था। अब आप सोचो, ये पॉइंट है एक्स ए जहां पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि एक्स ए 1 दर्शाता ये है कि जब ये सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित है, एक्स ए मतलब ए नाम का सॉल्यूशन आपका उपस्थित है। फिर से थोड़ा सा देख लो, आप मान लो एक केस है, थोड़ा सा और फिगर बना दे रहा हूं। अगर मान लो कि पहला केस, इसमें मैं बोल दे रहा हूं कि ए है 0.25, एक्स ए है 0.25 और एक्स बी है 0.75, तो अब इसको देखकर क्या बोलोगे कि इसमें बी ज्यादा है और ए कम है,
यही बोलोगे। अब और बढ़ाओ इसको, अब मान लो x है आपका 0.5 और x भी है आपका 0.5, तो अब क्या बोलोगे कि दोनों के दोनों बराबर हैं। लेकिन और केस में आप फाइनल एक केस ले लो जहां पे बोल दो कि एक्स ए है मेरा 0 और एक्स बी है 1, तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो केस है इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित है, बी उपस्थित है, ए आपका खत्म हो चुका है ये वाले केस में, इस वाले केस में। तो ये आपका अब क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक्स ए 0 है मतलब कि इस वाले कंटेनर में ए उपस्थित नहीं है, तो मतलब कौन उपस्थित है, तो सिर्फ और सिर्फ बी उपस्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पिछले वाला लेक्चर मेरा पढ़े होंगे आप लोग तो याद कीजिए, जब मैं आपको दो फिगर बनाया था, आपको एक ये और एक ये, और फिर हम लोग फाइनली बनाए थे दोनों को मिला करके, तो जब हम लोग फर्स्ट फिगर बनाए थे तो उसमें बोले थे कि बाबू इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका ए है, इसमें सिर्फ क्या है बी है, और इसमें दोनों को मिला दिए थे। अब इसमें सिर्फ ए है तो ये क्या बता रहा है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ ए है इसलिए मोल फ्रैक्शन सिर्फ 1 होगा, मतलब कि इसमें कोई और कोई भी उपस्थित नहीं है, सिर्फ कौन उपस्थित है ए उपस्थित है। और उस टाइम पे हम लोग याद करिए, हम लोग लिए थे प्योर वाष्प दाब पी नॉट ए के बराबर माने थे ना। अब बी वाले में क्या है, बी वाले में सिर्फ और सिर्फ बी है, तो बी वाले में सिर्फ और सिर्फ बी है तो मोल फ्रैक्शन बी का कितना होगा 1 होगा। ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोग को मैं आशा करता हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बी है, कोई और है ही नहीं, कोई और यहां पे था इस वाले में था अलग, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी है तो सिर्फ हम लोग बी का एक ही कंपोनेंट ही है तो सिर्फ उसी का मोल फ्रैक्शन लेंगे। और इस टाइम पे हम लोगों ने क्या माना था, वाष्प दाब, तो पी नॉट बी माना था। अब फिर से मैं यहां पर रिलेट कर रहा हूं, बस समझाने के लिए मैं सारी चीजें बना रहा हूं आप लोग को। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 आ गया, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे सॉल्यूशन में ए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बी है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, इस वाले पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि एक्स ए 1 है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब अगर एक्स ए 1 है इस पॉइंट पे तो ये दम पक्का है कि यहां पे एक्स बी क्या होगा 0, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर आता है। तो अब एक्स ए 1 है और एक्स बी 0 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ए का 1 है और मोल फ्रैक्शन बी का 0 है, तो ये क्या बता रहा है कि यहां जब हम पहुंचे तो इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ आपका ए उपस्थित है और इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ आपका बी उपस्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। अब इस वाले पॉइंट पे हमें पता चल गया कि एक्स ए मेरा 0 है और एक्स बी मेरा 1 है, तो मैं क्या करूंगा आप खुद सोचना, एक्स ए 0 है मतलब कि ए का कोई मात्रा ही नहीं है इस सॉल्यूशन में, अगर ए और बी है तो ए बिल्कुल नहीं है, मतलब है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ है कौन, तो बी है। तो आप खुद सोचो कि जब यहां पे एक्स ए 0 है मतलब ए आपका उपस्थित ही नहीं है तो क्या वो वाष्प दाब लगाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो चूंकि यहां केस में इस वाले केस में कौन उपस्थित नहीं है, तो ए उपस्थित नहीं है, तो यहां पे ए उपस्थित नहीं है तो ए अपना वाष्प दाब लगाएगा नहीं, तो ए का जो हम लोग वाष्प, हम लोग दोनों का अलग अलग बना रहे हैं, मतलब इस सॉल्यूशन में ए है और बी दोनों है, तो इस ग्राफ में हम लोग ए का अलग ग्राफ बनाएंगे और बी का अलग ग्राफ बनाएंगे। तो फिलहाल मेरे को बताइए कि यहां पे ए क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब इस केस में ए कुछ उपस्थित नहीं है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा 0, तो 0 मतलब इस एक्सिस में 0 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो यहां पे मैंने बोल दिया 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहुंच गए, अब क्या करते हैं, अब हम जानते हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, मतलब यहां पे एक्स ए 0 था, अब जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे हैं तो एक्स ए का मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और वो भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तो कौन सा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ये बताया था आप लोग को, ठीक है। तो यहां पे क्या था, एक्स ए 0 मतलब ये अगर हम पॉइंट लिए ए के लिए तो ये एक्स ए आपका यहां पे 0 है, तो अब हम अगर हम ग्राफ क्रिएट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस में आपका होता है प्रेशर, y एक्सिस में होता है आपका प्रेशर,
प्रेशर भी नहीं बोलो, वेपर प्रेशर बोलो, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अब ध्यान देना यहां से क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि लॉ ही कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, इसलिए यहां पे स्ट्रेट लाइन बना। अब ध्यान देना जब ये ग्राफ जा करके इस वाले पॉइंट पे कट किया, ठीक है, ये ग्राफ किसका बना है, हम लोग ए का बना है। क्यों बना है, क्योंकि पी ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि पी ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। अब ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे बढ़ करके ये पॉइंट यहां पे पहुंचा, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या कह रहा है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कह रहा है कि एक्स ए मेरा वन है, मतलब इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कौन है, वन है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉइंट कह रहा है कि एक्स ए वन है, मतलब मोल फ्रैक्शन ए का वन है और बी का जीरो है, मतलब इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कौन उपस्थित है, यहां इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ए उपस्थित है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ए उपस्थित है तो प्रेशर भी कौन लगाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ए लगाएगा। तो यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ अगर ए प्रेशर लगाता है, सिर्फ और सिर्फ अगर ए प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, पी नॉट ए बोलते हैं। तो यहां का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा पी नॉट ए। क्यों हुआ, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे देखा तो यहां पता चला कि ए का मोल फ्रैक्शन वन है और बी का मोल फ्रैक्शन जीरो है। तो ए का मोल फ्रैक्शन वन है मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ वन उपस्थित है, और अगर सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ वन उपस्थित है तो प्रेशर भी कौन लगाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ वन उपस्थित लगाएगा। और अगर किसी में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है तो वो सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं प्योर सॉल्यूशन। ये मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। चलो तो यहां पे हो गया पी नॉट ए। अब हम लोग ए का काम कर लिए, अब आते हैं बी पे। अब हम लोग बी के लिए क्या करेंगे, तो अब यहां पे फिर से आते हैं इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बताना एक्स ए वन है, एक्स बी जीरो है। अगर एक्स बी जीरो है तो प्रेशर बी का कितना होगा, जीरो। तो अब हम लोग यहां से बनाना शुरू करेंगे बी का, इस वाले पॉइंट से किसको बनाएंगे, बी का ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे। यहां पे मोल फ्रैक्शन बी का जीरो है, अगर मोल फ्रैक्शन जीरो है तो प्रेशर भी बी का क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां जीरो। अब चूंकि जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, अब ध्यान देना एक्स भी यहां पे जीरो है, और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट में बढ़ रहे हैं तो एक्स बी का मान बढ़ करके कितना हो गया, वन हो गया। मतलब ए का मान हम लोग राइट जा रहे थे तो बढ़ रहा था, और बी का मान हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी वन के बराबर होता है। अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा। तो अब क्या करना है, यहां पे पहुंचे एक्स बी जीरो है, मतलब बी का प्रेशर जीरो। अब हम जानते हैं कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, मतलब कुछ ग्राफ आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया। अब अगर स्ट्रेट लाइन बना तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, तो ये ग्राफ शो कर रहा है पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब आप बोलोगे कि आप लोग आप तो इधर डिक्रीज कर रहे हैं, तो मैं ये डिक्रीज नहीं कर रहा हूं। देखो यहां पे एक्स बी, यहां से ये ग्राफ किसका है, बी का, और बी आपका राइट से लेफ्ट जाने पे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे राइट में बी वन जीरो था और यहां पे वन हो गया है। तो जैसे जैसे एक्स बी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो प्रेशर ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगा, तो अब ये वाला पॉइंट देखेंगे, तो ये वाला पॉइंट बताना कि यहां पे एक्स ए जीरो है, मतलब यहां पे ए नहीं है, कौन है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बी है, तो प्रेशर भी कौन लगाएगा, बी लगाएगा। और अगर किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट उपस्थित है तो वो सॉल्यूशन होता था आपका प्योर, मतलब शुद्ध वाष्प दाब। तो यहां पे कौन लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन उपस्थित है, बी, तो यहां पे आ जाएगा आपका पी नॉट बी। अब समझता हूं कि मैं समझा पाया होगा आप लोग को, इससे बढ़िया और एक्सप्लेनेशन क्या होगा मुझे मालूम नहीं, बताइएगा जरूर, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, फिर देखते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन ये मोर देन सफिशियंट है समझाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये निकाल लिया, अब जो ये दोनों जो पॉइंट होता है ना, ये दोनों पॉइंट, इसको आप लोग अपने नोट्स में कोई अलग कलर से मार्क कर लीजिए। ये दोनों पॉइंट को जब हम लोग मिक्स करते हैं
तो यही पॉइंट आपका बताता है पी टोटल, मतलब टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर क्या होता था मैंने बताया था, यहाँ पे ए और बी दोनों हैं, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी। ये दोनों पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो यही आपका बताता है आपका टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यही था आपका ग्राफ, मेन कॉन्सेप्ट ये समझने का था। अगर ये समझ जाओगे तो आराम से सब कुछ फाइंड आउट कर लोगे। तो इसको जल्दी से छापो, अगर चाहो तो ये सभी कुछ कुछ चीज़ें नोट्स में लिख सकते हो, ताकि जब आप इन फ्यूचर रिविजन करो तो इसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो। तो अब रॉल्स लॉ के केस टू के बारे में पढ़ते हैं। केस टू, केस वन हम लोग पढ़ चुके, उसका ग्राफ भी आप लोग को बता दिया। बस ग्राफ में आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं जो वर्ड बोला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा वो ग्राफ इजी वे में। अब केस टू के बारे में पढ़ते हैं। तो केस टू क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। केस टू में क्या होगा, इसका हेडिंग क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें, किसी विलयन में, केस टू डाल के लिखिएगा, केस टू डाल के लिखिएगा, किसी विलयन में नॉन वोलेटाइल विलय, किसी विलयन में नॉन वोलेटाइल विलय को मिश्रित करने के बाद। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके समझते हैं क्या चीज़ है, क्या है, कैसे है। तो ये जो केस टू है समझने वाला ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा क्या हुआ होगा। डिफिनेशन बाद में आते हैं, पहले समझिए क्या हुआ होगा, आप खुद से समझिएगा, मैं बताते जाऊंगा और आप समझते जाओगे तो भरोसा है। तो देखो क्या हुआ होगा, पहले वाले केस में क्या था, इससे पहले वाले केस वन में क्या था कि दोनों के दोनों वोलाटाइल थे। अच्छा, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता क्या है, तो वोलेटाइल वो होता है जो अपना स्टेट को छोड़ देता है, मतलब अगर लिक्विड है तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में। लेकिन नॉन वोलेटाइल अपना स्टेट चेंज परिवर्तित नहीं करता। तो पहले वाला केस क्या था उसको पहले मैं समझा रहा हूँ। उसमें मैंने क्या बोला कि जब फाइनली जब सॉल्यूशन बना था, मिक्स कर दिए थे, तो उसमें ए और बी दोनों थे। मान लो कि ए आपका सॉल्यूट है, मान लेते हैं, और बी आपका सॉल्वेंट है, मतलब विलेय है, और ये बी आपका विलायक है। अब इससे जो टोटल प्रेशर लग रहा था उसको हम लोग निकाल रहे थे, यही कर रहे थे अभी तक। अच्छा एक चीज़ बताना, यहाँ तक तो क्लियर था। अब जो अगला जो केस बन रहा है बालक, अब इस केस में क्या है इसको समझो। अब जो केस टू कह रहा है ना, उसमें कह रहा है कि जो ए जो सॉल्यूट था, केस वन में जो ए मान लो कि सॉल्यूट था और बी अगर सॉल्वेंट था, तो कह क्या रहा है कि ए आपका नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये अपना स्टेट चेंज करने वाला नहीं है। मतलब अगर इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों हैं और हमें पता है कि ए अपना स्टेट चेंज नहीं करता। अब एक चीज बताओ, जब ए और बी दोनों थे तो दोनों उड़ रहे थे, उड़ के और इस वाले ढक्कन को धक्का मार रहे थे, तभी तो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। अब इस केस में बेचारा ये ए है ना, उड़ ही नहीं रहा है, जो सॉल्यूट है वो उड़ नहीं रहा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हम लोग मान के चल रहे हैं, केस टू मान के ही चल रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल है। अब अगर ए उड़ नहीं रहा है तो उड़ेगा कौन, सिर्फ बी, और यही उड़ करके इस ढक्कन पे धक्का मारेगा। तो जो अब जो नेट वेपर प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा, सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट की वजह से हो रहा है। तो बस यही है आपका केस टू। केस वन में क्या था कि दोनों उड़ रहे थे, मतलब दोनों वोलेटाइल थे, दोनों इस ढक्कन पे धक्का मार रहे थे, तो जो टोटल प्रेशर निकाल रहे थे तो दोनों को ले करके निकाल रहे थे। अब केस टू क्या कह रहा है कि सिर्फ बी उड़ रहा है, ए आपका उड़ ही नहीं रहा, मतलब ए आपका नॉन वोलेटाइल है। अगर ए उड़ नहीं रहा तो ए प्रेशर भी नहीं लगाएगा, तो प्रेशर लगाएगा कौन, तो सिर्फ और सिर्फ बी लगाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब क्या हो जाएगा, जो नेट जो टोटल प्रेशर आएगा, पी बोल दो, टोटल कुल वेपर, कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर, अगर मान लो इसको पी बोल देते हैं, तो वो अब क्या जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा पी नॉट,
और यहां पे अब जो मोल फ्रैक्शन आएगा सिर्फ किसका आएगा, सॉल्वेंट का आएगा, और ये पी नॉट भी किसका आएगा, तो ये भी आपका सॉल्वेंट वाला भी होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यही आपका टोटल वेपर प्रेशर। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, केस वन में क्या हो रहा था, तो थोड़ा सा देख लीजिए। केस वन में जब हम पी लिख रहे थे तो उसमें हमने बोले थे कि ए का भी प्योर वाष्प दाब और ए का मोल फ्रैक्शन और बी का वाष्प दाब और बी का भी मोल फ्रैक्शन। अब हम मान लिए हैं कि इस ए में ये जो सॉल्यूशन, इसमें ए उड़ ही नहीं रहा, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए आपका वोलेटाइल है ही नहीं, नॉन वोलेटाइल है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जा रहा है, ये बच जा रहा है। तो इसी को मॉडिफाई करके हम लोग क्या लिख दिए हैं, पी नॉट और एक्स सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का प्योर वाष्प दाब और सॉल्वेंट का, यहाँ चाहो तो आप लिख लेना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिख लेना यहाँ पे चाहो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस टू, केस टू में आपका हो गया ये सारा केस। अब इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, तो ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट। अब केस टू ध्यान दीजिए, इसको डेफिनेशन को समझते हैं, क्या कह रहा है, इंग्लिश में हिंदी में बता दूंगा अभी। ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मैंने इसमें माना था बी, अगर प्योर सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करोगे, ऐड करोगे, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, तो उसका वेपर प्रेशर, उसका वाष्प दाब क्या करेगा, कमी आएगी। एंड दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जो ये डिक्रीज हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में कमी आना। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझो, अगर अगर किसी शुद्ध विलायक में, अगर किसी शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल विलेय को, नॉन वोलेटाइल विलेय को मिक्स करते हैं, तो उसके कुल वाष्प दाब में कमी आती है, तो उसके कुल वाष्प दाब में कमी आती है। इसी प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हम वाष्प दाब में कमी कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में कमी। अच्छा देखो, कमी क्यों आया, कमी इसलिए आया बालक, क्योंकि जब केस वन था तो केस वन में टोटल प्रेशर क्या आया था, ए से और ये था बी से, यही था ना केस वन में, ये था। अब केस टू में क्या हुआ, हमने मान लिया, अगर मान लो कि अगर ए आपका नॉन वोलेटाइल है तो ये क्या जाएगा, कम हो, ये कट जाएगा, तो कट गया ये, अगर ये कटा तो कमी तो आया, अगर ये अब हट गया तो बचा कौन, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये बचा, तो इसलिए क्या आ गया, कमी आया, क्योंकि अब बच करके सिर्फ यही एक टर्म रह गया। लेकिन केस वन में ए और बी दोनों थे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे, लेकिन केस टू में सिर्फ और सिर्फ क्या रह गए, सॉल्वेंट रह गए, मतलब विलायक रह गए। तो उसमें उससे क्या हुआ कि जो टोटल प्रेशर निकला, ये वाला टोटल प्रेशर और ये वाला टोटल प्रेशर, तो ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया। तो वही कह रहा है कि अगर जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें मिक्स किए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वेपर प्रेशर है टोटल, उसमें क्या आया, कमी आया। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां पे तो मैंने बता दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग इसको और अभी आगे एक्सटेंड करेंगे जब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं उसको, तो उसको जब बताऊंगा तो वहां पे एक और टर्म आएगा रिलेटिव, मतलब कंपेयरिंग कह सकते हो अगर शुद्ध हिंदी में कहो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कहां पे आएगा, तो जब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा वहां पे आएगा, तो वहां पे इसको और अच्छे से एक्सपेंड करेंगे। फिलहाल अभी तक मैं आप लोग यहां तक लिख करके काम चलाओ, जब इसी चैप्टर में सॉल्यूशन वहीं आएगा, आगे बढ़ाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पे इसको और डिस्कस करेंगे अच्छे से, वहां पे हम लोग टर्म डिसाइड करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहां पे और अच्छे से करेंगे। फिलहाल आप यहां तक लिखो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं केस टू को लेकर के, ये क्वेश्चन आप ही लोग में से एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था,
तो उस टाइम मैं उनको बोला भी था कि ये क्वेश्चन तभी होगा जब मैं आपको केस टू पढ़ा दूंगा। तो चलिए आज उनका क्वेश्चन करते हैं, और जो वो स्टूडेंट देख रहे होंगे तो वो भी समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ना, किसी अवाष्पशील विलेय मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, आ गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब कह रहा है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसका आणविक द्रव्यमान मतलब कि मॉलिकुलर मास दिया हुआ है, जो विलेय है मतलब जो सॉल्यूट है उसका मॉलिकुलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, कि उस मात्रा की गणना कीजिए जो 114 ग्राम ऑक्टेन में घोले जाने पर उसका दाब कम करके कितना कर दे रहा है, तो उसका दाब आपका कम करके 80% कर दे रहा है। ठीक है, तो पहले तो यहां पे ऑक्टेन आई, ऑक्टेन को क्या लिखते हैं, C8H18 ऑक्टेन होता है, ये आपको पता होगा ऑर्गेनिक में इतना तो पढ़े ही होगे। तो एक का मास होता है 12, तो 12 गुने 8 हो गया 96, और ये 18 है तो 18 × 1 कितना हो गया, 9 × 10 = 11 114। मतलब ऑक्टेन का मॉलिकुलर मास कितना है, ऑक्टेन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो 114। अब ध्यान दीजिएगा मोलर मास इतना आ गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझिए पहले। फिर ये है आपका कोई कंटेनर, इसमें ऑक्टेन है आपका सॉल्वेंट के रूप में, और इस ऑक्टेन में हम मान लेते हैं कोई एक्स नाम का सॉल्यूट को गिरा रहे हैं, एक्स नाम का कोई सॉल्यूट को गिरा रहे हैं इस ऑक्टेन वाले सॉल्वेंट में, और बोला गया कि जो सॉल्यूट है वो अवाष्पशील है मतलब नॉन वोलेटाइल है, तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, प्रेशर में कमी लाएगा। इसका जो प्रेशर होगा, जो इसका शुरू का जो प्रेशर होगा, इसमें मिला करके अब क्या होगा, कुल वाष्प दाब में कमी आएगी। अभी जस्ट पढ़ाया तो आप लोगों को बताया था कि जब ऐसा केस हो तो जो प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, वो हो जाता है पी नॉट और एक्स सॉल्वेंट का, इतना बोला। अब देखिए बोला है कि उसका वाष्प दाब कम कितना से करता है, 80% से, मतलब कि जो टोटल प्रेशर बना दोनों को मिलाने के बाद उसके वेपर प्रेशर में कितना की कमी ला रहा है, 80% का मिला रहा है। मतलब कि शुरुआत में पी नॉट था शुद्ध, ये क्या कहता है शुद्ध, शुद्ध मतलब जब कुछ नहीं मिला हो तब, और ये कब आया, मिलने के बाद, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने के बाद। तो कहता है कि 80% कम कर दे रहा है, मतलब शुद्ध अगर पी नॉट है तो ये पी कितना जा रहा है, पी नॉट इंटू 80/100 हो जा रहा है, मतलब कि 0.8 पी नॉट हो जा रहा है अगर पी नॉट है शुरू में बालक। अब इसमें क्या डाल दिया हमने, कोई अवाष्पशील विलेय जिसको हमने एक्स माना है, अब डालने के बाद जो टोटल वेपर प्रेशर बना उसको 80% से कम कर दे रहा है, मतलब कितना हो जा रहा है, 0.8 पी नॉट हो जा रहा है। इतना हो गया इज इक्वल टू पी नॉट को पी नॉट छोड़ दो, और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को कैसे लिख लेंगे, तो लिख लेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट और मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट, क्योंकि किसी सॉल्यूशन में क्या क्या रहते हैं, उपस्थित तो खैर दोनों हैं, ध्यान से देखिएगा इस सॉल्यूशन में उपस्थित तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, लेकिन ये वाला जो है, जो सॉल्वेंट है वो आपका वोलेटाइल है और ये आपका नॉन वोलेटाइल है। तो यहां से हम लोगों ने इसको लिख लिया, इसमें हम लोगों दोनों क्यों लिया, क्योंकि उपस्थित आपके दोनों हैं आपको इस कंटेनर में। अब कुछ नहीं करना है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है, अब 114 क्या था, ऑक्टेन था मोलर मास, तो पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं ऑक्टेन का। तो ऑक्टेन देखिए कितना दिया हुआ है, 114 ग्राम दिया हुआ है, तो 114 ग्राम दिया हुआ है इसका मास, और इसका मोलर मास कितना होता है, 114 होता है, तो मोल कितना आ गया, 1 मोल आ गया, समझ रहे होंगे ना, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवेन मास को भाग कर दीजिए उसके मोलर मास से, तो इसका मोलर मास हमने निकाल लिया, और जो गिवेन मास था 114 था, तो मोल आ गया आपका 1। ये ऑक्टेन है आपका क्या, तो सॉल्वेंट है मतलब विलायक है। अब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के बारे में पता नहीं है, ठीक है,
तो क्या करते हैं हम, मान लेते हैं, मैं इधर हल्का सा दिखा रहा हूँ, कहाँ पे दिखा दूँ, कहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है। हम मान लेते हैं लेट मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास है, माना कि विलेय का मास एम ग्राम है, ठीक है। तो मोल क्या हो जाएगा सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोल कितना होगा, एम मैंने माना है और इसका मोलर मास दिया हुआ है 40, ये आ गया मोल। अब कुछ नहीं करना है, इस वाले इक्वेशन में सॉल्वेंट का मोल हमने निकाल लिया 1 और सॉल्यूट का मोल निकाला एम बाय 40, और यही एम को आपको पता करना है, वही आपका मात्रा बता देगा उसका। तो फिलहाल इसमें क्या करिए, स्पिनोट से स्पिनोट को काट दीजिए, तो 80/100 इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मोल है 1 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोल है 1 और सॉल्यूट का मोल है एम बाय 40। अब ये तो इक्वेशन बच्चा वाला हो गया ना, यहाँ से आप शांति से एम फाइंड कर लीजिएगा, एम आपका आ जाएगा 10 ग्राम, क्योंकि इस बुढ़ापे में मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। ये आ गया आपका मास, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर दिया, और क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग, लेकिन अब वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है और लंबा वीडियो शायद आप लोग को बोरिंग लगने लगता है, पता नहीं क्या लगता है, कुछ बच्चों का कंप्लेन आता है कि सर इतना बड़ा बड़ा वीडियो मत बनाया कीजिए, कोई नहीं, आपकी भी मांग सर आंखों पर। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, बुरा लगा, कि बहुत अच्छा लगा, कि बहुत खराब लगा, सब बताइएगा। अब स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, फिर हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। अभी फिलहाल आपका रॉल्स लॉ ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ और चीज़ें बताना बाकी रह गया है। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है ना, कि यहाँ ख़त्म करने में बोलते हैं कि सर आप ये नहीं पढ़ाएं तो वो नहीं पढ़ाएं, सब पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी उनको एक वैधानिक चेतावनी दे रहा हूँ कि अभी आपका रॉल्स लॉ ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी इस पर क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ कुछ इस पर थ्योरी पढ़ेंगे, और जब एक साथ जब देख लेंगे कि अच्छा खासा सब कुछ पढ़ लिया, तो फिर आपको 10 या 15 क्वेश्चन का एक DPP दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसको कर करके बताइएगा, फिर हम लोग लाइव में जब आएंगे तो उस DPP को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको समझिए, इस पर क्वेश्चन कीजिए, थ्योरी पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे कीजिए।